अगर आप लोग को भी इंदौर मध्य प्रदेश में काम चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। इंदौर में आपको 8 घंटे का महज जो सैलरी मिलने वाला है वो टोटल सैलरी मिलेगा 25,000 रुपीज़, यानी कि टोटल कैलकुलेशन होकर के आएगा 25,000 रुपीज़ पर मंथ। एंड वेल, ये जो काम होने वाला है ये इंदौर मध्य प्रदेश में होने वाला है। जितने भी सारे लोग इंटरेस्टेड है, स्टेप बाय स्टेप पूरा जानकारी अच्छे से कॉलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद में आप लोग नेक्स्ट प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप कंपनी के डोर टू डोर जाके वीडियो क्यों नहीं बनाते। तो देखिए, यहाँ पे मेनली प्रॉब्लम्स यह है कि आप लोग से एक चीज़ मैंने मांगा है, बस हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर होने में 30,000 ही दूर है, तो 30,000 जैसे ही ये कॉम्प्लीटेड हो जाएगा, वेल हम जाएंगे कंपनी के पास से ही आपको ज्वाइनिंग करवाएंगे। इसके लिए निश्चिंत रहे और पूरा प्रोसेस अच्छे से समझिए, उसके बाद में आप लोग नेक्स्ट प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। ये फ्लिपकार्ट कंपनी है और फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ होने वाला है। सो इसका एड्रेस जो है इंदौर गुमस्ता नगर मध्य प्रदेश। तो इंदौर गुमस्ता नगर मध्य प्रदेश से पिन कोड भी है 45209 और यहाँ पे गूगल मैप का लोकेशन भी दिया गया है। देखिए, हालांकि कोई भी कंपनी सैलरी हाई लेवल का देती है तो उसमें काम भी खोजती है। बहुत सारे लोग यूट्यूब का थंबनेल देख लेते हैं और थंबनेल देख करके कहते हैं कि मुझे जॉब मिल जाएगा, मैं 5वीं पास हूँ, मैं 8वीं पास हूँ, मैं 10वीं पास हूँ। लेकिन मेनली होता है यहाँ पे वीडियोस में जो इंफॉर्मेटिव जानकारी दी जाती है कि आपका एलिजिबल क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, मेक श्योर आप उस चीज़ों को समझते नहीं जो कि बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। अभी देखो ना, एक लड़का पुणे महाराष्ट्र में पहुंच गया, साफ साफ हमने वीडियोस में बोले थे कि उसमें 10th पास मिनिमम होना ही चाहिए, राइट? तो 10th पास होना चाहिए और थंबनेल्स में भी हमने नहीं लिखा था कि 10th फेल चलेगा। वो लड़का वहाँ पे पहुँचने के बाद बोल रहा है मुझे जॉब लगाइए और इसी कंपनी में लगाइएगा, दैट्स मीन नॉट पॉसिबल। ये मेरी गलती नहीं है कि आप इन्फॉर्मेशन अच्छे से कॉलेक्ट नहीं करते, बाद में मेरे ऊपर एलिगेशन भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हम प्रॉपर जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपके साथ में शेयर करते हैं। सो ये देखिए, यहाँ पे जो है BDE का पोस्ट है, यानी कि BDE का अगर हम फुल फॉर्म बोले तो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। सपोज मानिए कि मेरा एक बिजनेस है, मेरा पानी के बोतल का बिजनेस है, मैं एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। तो हमने एक बिजनेस BDE को हायर किया, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव को हायर किया, तो आखिर उसका काम क्या होगा? तो यहाँ पे काम उसका ये होगा कि मेरा पानी का बोतल से ज़्यादा कस्टमर के पास पहुँचे, ये मेरा सोच होगा। तो मैं अपने BDE को बोलूँगा कि भाई इसको अच्छे तरीके से आप शॉप टू शॉप ले जा करके प्रमोट कीजिए। जैसे कि एक मतलब हीरो होता है तो वो पूरा मतलब एडवर्टीजमेंट करता है तो पूरा उसे दुनिया जानती है, पूरा इंडिया जानता है। बट यहाँ पे BDE का प्रोफाइल है कि आप लोकल शॉप में, आप अपने डिस्ट्रिक्ट शॉप में जाके उस चीज़ों का प्रमोट कीजिए जिससे आपका प्रोडक्ट अच्छा दिखे। और अच्छा है फिर भी अगर अच्छा नहीं दिखाओगे तो वो चीज़ अच्छा नहीं दिखेगी। सपोज मानिए कि अगर कोई चीज़ अच्छा है और उसको अच्छा नहीं दिखाओगे तब तक लोगों को नहीं पहुंचेगा ना। अब मान लिया MRF एक कंपनी है, एग्जांपल दे रहा हूँ, और MRF जो मतलब एडवर्टीजमेंट करते विराट कोहली करते हैं, तो विराट कोहली अपने बल्ले पर चिपकाते हैं MRF का लोगो, तो उससे कितना प्रचार होता है? MRF का लोगो, MRF टायर कंपनी है और MRF का लोगो चिपकाने से MRF का जो बैट बनता है, लोकल बैट, वो भी बिक्री हो जाता है, वो भी सेल हो जाता है। तो मेरे कहने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे BDE का प्रोफाइल है और बिजनेस को डेवलप आपको कराना होगा। क्वालिफिकेशंस में है मिनिमम 12th पास और ग्रेजुएशन, यानी कि 12वीं पास और ग्रेजुएशन होना चाहिए। सो मेल फीमेल बहुत कैंडिडेट की हायरिंग है, यानी कि लड़के लड़कियाँ सब कोई चलेंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं है। बिकॉज यहाँ पे कॉल ना लगने की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है कि सर आप जो भी नंबर्स देते हैं उस पर कॉल नहीं लगता। हालांकि पता है रंजीत सर का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इतना ऑल इंडिया में इनका हायरिंग चलता है, तो यहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप पे रिज्यूम ड्रॉप करें और व्हाट्सएप पे नहीं, टेक्स्ट मैसेज करें। कॉलिंग वाला जो होता है वो टेक्स्ट मैसेज करने की कोशिश करें। एक्सपीरियंस में मिनिमम 6 मंथ एक्सपीरियंस, FMCG सेल्स फील्ड जॉब, HUL डाबर हिमालया विप्रो PNG ETC आटा दाल राइस घी बिस्किट, मतलब ऐसे समझिए कि FMCG डिपार्टमेंट का आपके पास में अनुभव और एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। इसका जो सैलरी है 22,000 CTC है, PF ESIC कट कर मतलब कम मिलेगा थोड़ा, इंसेंटिव है, ट्रैवलिंग अलाउंस 4 रुपये पर किलोमीटर है,
DA है जो यहाँ पे 100 rupees पर डे आपको मिलता है। बाइक स्कूटी एंड स्मार्टफोन मैंडेटरी है। हाउ टू अप्लाई, डायरेक्टली आपको व्हाट्सअप नंबर जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है आप वहाँ पर से कॉन्वीनियंस कर सकते हो। देखो हमारे पास में जितने भी सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वैकेंसीज होती है, वो टोटली फ्री होती है। देखो सबसे पहली बात मैं आपको एक अवेयर करना चाहता हूँ, नौकरी के नाम पे कोई पैसा मांगता है, नौकरी के नाम पे कोई रुपए की डिमांड करता है तो आप उससे पैसे ना दें, क्योंकि वो एक फ्रॉड इंसान है जो कि आपके साथ में भी फ्रॉड करने की पूरी कोशिश कर रहा है। वेल, मेरे पास में जितने भी सारे वैकेंसीज होते हैं, रिक्वायरमेंट होते हैं, वो 100% जेन्युइन होते हैं। इसके लिए निश्चिंत रहे और डायरेक्ट आप लोग अप्लाई करें, व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करें। ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, रंजीत सर का है, बट पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।